हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपसे भी स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं मारुति सुजुकी अरीना हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और भाई, इस शोरूम से मैं मारुति वैगन आर की सबसे टॉप एंड वेरिएंट जेड एक्स आई प्लस का वीडियो बनाऊंगा, जहां पे ये व्हाइट कलर के साथ लगी है। इस वीडियो में मैं इसकी सारी फीचर्स, साथ में इसकी प्राइस क्या होने वाली है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब यहाँ पे ये बात कर लेंगे कि मारुति वैगन आर लेने का प्लान करेंगे तो भाई यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन होने वाली है। सबसे पहले इसके नीचे के वेरिएंट में जाओगे LXi या VXi में, तो वहाँ पे 1 लीटर 1000 cc की इंजन देखने को मिलती है। जबकि भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो टॉप एंड वेरिएंट में जाओगे तो 1.2 लीटर 1200 cc की इंजन आपको मिलती है, जहाँ पे भाई ओवरऑल गाड़ी की पावर पिकअप काफ़ी अच्छी होने वाली है और माइलेज भी यहाँ पे बेहतरीन मिलती है, जो कि फ्रंट में आप ये टॉप एंड वेरिएंट देख पा रहे होंगे। भाई 1 लीटर 1000 cc के साथ जाओगे और अगर आपकी 5% यहाँ पे फैमिली में बैठ गई हो और बूट में अगर लगीज वगैरह कैरी करोगे ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको पावर पिकअप की महसूस होती है, लेकिन 1200 cc वाली इंजन में आपको नहीं होती है, प्रॉपर आपको पावर टॉर्क मिलेगा। और इसे CNG में लेने का प्लान करेंगे तो LXi VXi में ही आप ले पाएंगे, जहाँ पे 1 लीटर 1000 cc की इंजन आपको मिलेंगे। टॉप एंड वेरिएंट में जाओगे तो भाई पेट्रोल में ऑटोमेटिक मैनुअल का दोनों ऑप्शन है, और ये जो है ये टॉप एंड वेरिएंट की मैनुअल वेरिएंट यहाँ पे लगी हुई है। अब बिना देर के हुए चलते इस गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में और इसकी सारी फीचर्स कवर करेंगे। देखो भाई, आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में, तो एक बार आप इसकी लुक देखो यार, काफ़ी अच्छी यहाँ पे लुक मिलने वाली है। ग्रिल की बात की जाए तो कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग होने वाली है, जहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग बीच में लोगो देख पा रहे होंगे। हेडलैम्प की बात करेंगे तो भाई ये रिफ्लेक्टर बल्ब के साथ मिलेंगे, जहाँ पे हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग, साथ में इसमें टर्न इंडिकेटर। भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है तो नीचे फॉग लैंप मिलने वाली है। देन इसकी फ्रंट की जो स्कीड प्लेट है वो ब्लैक आउट के साथ रखा गया। इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करनी है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। अब बात करेंगे इसकी बोनेट की, तो काफी अच्छी कर्व डिजाइनिंग के साथ है, जो कि इसके लुक को एनहांस करती है और ये इसे एरोडायनेमिक बना के रखती है। चलते हैं भाई गाड़ी के साइड के फेसिया में, तो साइड से सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी की डायमेंशन की, जहाँ पे इसकी लेंथ विड्थ हाइट साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप देख पा रहे होंगे। ORBM या गाड़ी की डोर हैंडल की बात करेंगे तो ये बॉडी कलर के साथ है, LED टर्न इंडिकेटर। ORBM को फोल्ड करनी है, इसके अंदर के मिरर को एडजस्ट करनी है, वो बटन्स के थ्रू कर पाएंगे। भाई मैनुअली की के थ्रू गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये भाई टॉप एंड वेरिएंट है तो कीलेस एंट्री के साथ दो चाबी मिलने वाली है, जहाँ पे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और जब भी गाड़ी का लॉक अनलॉक करेंगे तो कुछ इस टाइप की बीप की साउंड आने वाली है, ताकि ये आप कंफर्म हो सके कि आपकी गाड़ी लॉक हुई है या अनलॉक हुई है। हालांकि इसकी ए पिलर बॉडी कलर के साथ बी और सी पिलर यहाँ पे ब्लैक आउट के साथ रखा गया है। देन ऊपर में देखो भाई, ब्लैक कलर की बीट होने वाली है, डिजाइनिंग कुछ इस टाइप से मिलने वाली है, जो रूफ टॉप को यूनिक बनाती है। रेगुलर वायर के साथ इसकी एंटीना जो है वो फ्रंट में दी गई है। टायर के सेक्शन में आओगे तो भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है तो अलॉय व्हील मिलती है, जो कि ग्रे कलर मल्टी स्पोक के साथ होने वाली है। 165/70 R14 की टायर। भाई टायर जो है वो MRF कंपनी की है, फ्रंट में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm के साथ रखी गई है। अब इसके फ्यूल लिड को ओपन करेंगे तो भाई यहाँ पे पेट्रोल में 32 लीटर कैपेसिटी के साथ आएगी। अब आ चुके हैं भाई गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो यहाँ पे एक चीज अच्छी लगती है कि वैगन आर की काफी अच्छी क्रोम की ब्रांडिंग होती है, कंपनी की लोगो। भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है तो पीछे वाइपर आपको मिलने वाली है, वाशर की प्लेसिंग ऊपर में है और हाई माउंट स्टॉप लैंप। इस वेरिएंट में डिफॉगर आपको नहीं मिलती है, लेकिन पीछे दो पार्किंग सेंसर रिफ्लेक्टर होने वाली है। टेल लैंप की बात करते हैं तो भाई इसकी लेंथ देखो यार, अच्छी है। साथ में इसकी जितनी भी बल्ब है वो रेगुलर बल्ब के साथ है, लेकिन नाइट के टाइम पे लाइटिंग और विजिबिलिटी अच्छी है। देन नीचे टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हालांकि वैगन आर में ये मिसिंग है कि टॉप एंड वेरिएंट में बैक कैमरा नहीं है, टच स्क्रीन है भाई, तो एसेसरीज में आप बैक कैमरा लगवा सकते हैं। एग्जॉस्ट की प्लेसिंग आप नीचे देख पा रहे होंगे और एक टोइंग हुक भी है। इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को पीछे से भी आप टो कर पाएंगे। रियर स्कीड प्लेट जो है भाई वो ब्लैक आउट के साथ यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके बूट को ओपन करेंगे तो एक रिक्वेस्ट सेंसर है, जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर पाएंगे। ऑल ब्लैक आउट के साथ ये कवर किया गया। साथ में भाई यहाँ पे पार्सल ट्रे है, जिसकी स्ट्रांगनेस काफी अच्छी है। देन इसकी बूट स्पेस 341 लीटर के साथ है। दो बिग साइज की और एक मीडियम साइज की ट्रॉली इजी वे में कैरी कर पाएंगे। और भाई कुछ इस टाइप की प्लास्टिक मिलेगी, जहाँ पे गाड़ी की जैक टूल किट, गाड़ी की मैनुअल बुक, फर्स्ट एड किट, रिफ्लेक्टर होने वाली है। मारुति की कोई भी गाड़ी लो, जो मैंने यहाँ पे बताया वो डिलीवरी के टाइम पे आपको सब कुछ मिल रही हो, तभी जाके आप किसी भी शोरूम से अपने गाड़ी को डिलीवरी लेना। अब इसकी स्टेपनी की बात करेंगे तो भाई ब्लैक पेंटेड स्टील रिम के साथ होने वाली है। MRF कंपनी की टायर, 165/70 R14 की होती है। याद रखना भाई, स्टेपनी की जो मैक्स स्पीड है वो 80 की होती है,
तो जब भी स्टेपनी को यूज करोगे तो भाई 80 से ज्यादा इसे नहीं चलाना, स्टेपनी के लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब चलेंगे भाई गाड़ी के रियर इंटीरियर में, तो भाई सबसे पहले इसके सीट के बारे में बात करेंगे। तो डुअल टोन काफी अच्छी फैब्रिक सीट है जिसकी कुशनिंग काफी अच्छी रखी गई है, ये देखने में प्रीमियम फील करवाएगी। हेड रेस्ट की बात करेंगे तो ये फिक्स रखी गई है, साथ में 60-40 फोल्डेबल सीट मिलने वाली है। मिडिल में जो बैठेंगे उनके लिए 2 पॉइंट वाली सीट बेल्ट होने वाली है, पीछे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर होने वाली है, ये चीज़ अच्छी है। इसकी टिल्ड पीछे के साइड में अच्छी मिलती है ताकि लॉन्ग ड्राइव में जो राइडिंग हो बैठोगे तो भाई यहाँ पे कंफर्टेबल आपको महसूस होने वाला है। अब इसकी लेग स्पेस नी रूम की बात करेंगे तो भाई ये काफ़ी अच्छी है, मेरी हाइट अभी 5.4 है, ड्राइवर सीट को अपने हाइट के अनुसार मैंने पीछे किया, लेकिन यहाँ पे देखो भाई बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। हालांकि अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, उतनी भी अच्छी नहीं है, बड़े लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा लॉन्ग जर्नी में, लेकिन छोटे जर्नी में आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। को ड्राइवर सीट के बैक में आपको पॉकेट होल्डर भी मिलेंगे, ऊपर में दोनों साइड में फिक्स हैंडल ग्रिप। अब इसके रियर डोर स्टिम्स में आएंगे तो भाई यहाँ पे देखो यार काफी अच्छी ब्लैकआउट के साथ रखी गई है, नॉब जो है वो सिल्वर के साथ है, पीछे किया कोइन कैरी करनी है, पावर विंडोज मिलने वाली है, 1 लीटर की बोतल होल्डर साइड में स्पेस में मिलेंगे और पीछे स्पीकर्स होने वाली है। रेगुलर कार्स की तरह यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलेंगे जो आपके चाइल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब आएंगे भाई गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में, तो एक बार आप इसकी डैशबोर्ड देखो भाई, डुअल टोन के साथ है, काफी अच्छी लगती है, प्रीमियम फील तो करवाती है, जरूरत की सारी फीचर्स है जो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आएंगे भाई गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में, तो यहाँ पे इसकी जो नॉब है ऑल सिल्वर के साथ मिलने वाली है, किया कोइन कैरी करनी है, चारों पावर विंडोज है, ड्राइवर के साइड ऑटो है, पावर विंडोज को लॉक करनी है, सेंटर लॉकिंग है, ORBM को फोल्ड करनी है या मिरर को एडजस्ट करनी है यहाँ से आप कर पाएंगे। नीचे बोतल होल्डर है, मैगजीन होल्डर है और यहाँ पे फ्रंट में स्पीकर्स होगा। भाई वैगनआर के किसी भी वेरिएंट में ट्विटर्स आपको नहीं मिलती है। अब इसके ड्राइवर सीट में आएंगे तो यहाँ पे देखो यार इसकी थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, भाई जो सीट की कलर है यहाँ पे ट्रिपल टोन के साथ है, डिजाइनिंग प्रीमियम रखी गई है। शोल्डर सपोर्ट की बात करें तो ये भी प्रॉपर आपको हक करके रखेगी। हालांकि हेड रेस्ट की बात करेंगे तो ये फिक्स है भाई, दोनों सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो इजी वे में आप कर पाओगे, लेकिन ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। कस्टमर इस गाड़ी को कितना प्यार देता है भाई, तो कंपनी को अपने कस्टमर के लिए सोचना चाहिए कि एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देना चाहिए। अब इसके ड्राइविंग या स्टीयरिंग में आएंगे तो भाई ये पावर के साथ टिल्ड मिलने वाली है, स्टीयरिंग को आप अप डाउन कर पाएंगे, सिल्वर की काफ़ी अच्छी इंसर्ट की गई है बीच में लोगो, SRS एयरबैग आप रीड कर पा रहे जो कि स्टीयरिंग में एक को ड्राइवर के साइड में मिलती है। साउंड इसकी सुनो यार, कुछ इस टाइप की आपको साउंड मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में म्यूजिक की सारी कंट्रोल, जहाँ पे मोड वाली बटन है, देन यहाँ पे कॉल रिसीव करनी है, कट करनी है, वॉइस कमांड है, म्यूट भी आप यहाँ से कर पाएंगे। राइट साइड में लाइटिंग की नॉब और लेफ्ट साइड में इसकी वाइपर की नॉब, चाबी की जो प्लेसिंग है यहाँ पे आपको करनी है। देन डैशबोर्ड के राइट साइड में आओगे तो AC विंड देखो यार, राउंड शेप में है, जहाँ पे सिल्वर की डिजाइनिंग, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शन, लाइट लेबलिंग की स्विचेस, बोनेट को यहाँ से ओपन कर पाएंगे, तीनों लीवर पूरी तरह से रबर कवर है, एक फुटरेस्ट भी है, आप अपने पैर को वहाँ पे रिलीफ दे पाएंगे। फील्ड लिड को ओपन करना है तो ड्राइवर सीट के नीचे प्लेसिंग किया गया है। अब आते हैं भाई गाड़ी के डैशबोर्ड में, तो भाई यहाँ पे देखो यार काफी अच्छी एज अ प्रीमियम फील करवाएंगे। ग्लोव बॉक्स की स्पेस भी काफी अच्छी रखी गई है, 2 बिग साइज की आप यहाँ पे बोतल कैरी कर पाएंगे। म्यूजिक में आओगे भाई तो सबसे पहले लो फ्यूल वार्निंग आपको बताने वाली है, जहाँ पे इसे ओके करना है, देन यहाँ पे 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी जो कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ आती है। ये 4 स्पीकर्स के साथ है, जहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले की सारी कनेक्टिविटी, लेफ्ट और राइट साइड में इसकी टच वाली बटन जिसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे, FM है, मीडिया, फोन कनेक्टिविटी की सब कुछ मिलेगी, टाइम डेट सब कुछ देख सकते हैं। और इसे स्क्रोल करोगे भाई गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, अभी 18 बता रही है भाई, अभी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, जस्ट शोरूम आई है, तो जब इसे ड्राइव करोगे तो और भी माइलेज मिलेगा। एक्चुअल इसका माइलेज मैं इंजन के टाइम पे बताऊंगा। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी इस म्यूजिक की अच्छी है। देन नीचे हैजार्ड लाइट के बटन्स, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल होने वाली है, USB ऑक्सपोर्ट है, 12 वोल्ट रेगुलर चार्जर है, फोन यहाँ पे कैरी कर पाएंगे, 5 स्पीड एक रिवर्स के साथ इसकी गियर ट्रांसमिशन होने वाली है, पूरी तरह से लेदर कवर है, नीचे बोतल होल्डर है, साइड में की कॉइन कैरी करनी है, हैंडब्रेक की जो ग्रिपिंग है भाई ये ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा मिसिंग होता है भाई, एक आर्म रेस्ट कम से कम ड्राइवर के साइड के लिए होना चाहिए। अब इसके MID में आओगे तो भाई एनालॉग के साथ बीच में एक आपको डिस्प्ले मिलती है जो कि राउंड शेप में है, जहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ है, लेफ्ट साइड में ज़रूरत की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया हूँ, डोर्स ओपन है, लो यहाँ पे बैटरी की वार्निंग है, लो वाशर वाटर की वार्निंग है, सब कुछ मिलेगी यहाँ पे, लो फ्यूल वार्निंग है। इसकी स्पीडोमीटर जो है भाई वो एनालॉग के साथ है, सिल्वर की काफ़ी अच्छी इंसर्ट की गई है,
देन यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलती है, आरपीएम मीटर आपको मिलने वाली है, गाड़ी कितनी चली है, देन यहाँ पे टाइमिंग देखो भाई, गाड़ी में फ्यूल कितनी है वो भी आप देख पाएंगे। राइट साइड में एक आपको नॉब मिलती है जिसे चेंज करेंगे तो गाड़ी की ट्रिप ए ट्रिप बी आप देख पाएंगे। रियल टाइम माइलेज गाड़ी क्या दे रही है, एवरेज क्या दे रही है, इसके साथ गाड़ी और रेंज कितना चलने वाली है वो सब कुछ आप देख पाएंगे। भाई ये वैगनआर है और भाई ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती है। MID के साइज में मत जाओ भाई, छोटी है लेकिन जरूरत की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। को ड्राइवर के अप साइड में अब फिक्स हैंडल ग्रेप मिलने वाला है, वैनिटी मिरर होने वाली है, ऊपर में माइक है, यहाँ पे एक रेगुलर लाइट है डे नाइट के साथ, इसकी IRVM, और यहाँ पे टिकट होल्डर मिलती है जहाँ पे भाई इसकी टिकट होल्डर का जो स्टिकर है वो गिर गया है। खैर वो मजाक की बात है, यहाँ पे दो एयरबैग से, पहला को ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर के साइड पे। अब चलेंगे भाई गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में जहाँ पे उसकी पावर टॉर्क माइलेज, और ये अगर आप ZXi+ लेंगे तो इसकी क्या प्राइस एक्सोरूम होने वाली है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आ चुके हैं भाई गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो अप साइड में देखो यार, यहाँ पे इसकी इंसुलेशन नहीं मिलती है, स्पेस तो दी गई है भाई लेकिन कंपनी वैगनआर के किसी भी वेरियंट में नहीं देती है, ये होना चाहिए भाई जो इंजन के हीट और नॉइस को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 1.2 लीटर 1200 cc की एडवांस के सीरीज की इंजन मिलती है जो कि डुअल जेट डुअल VVD वाली आपको मिलती है। अच्छी बात यह है ये 4 सिलेंडर के साथ है जिसकी मैक्स पावर टॉर्क आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। ये गाड़ी भाई आप 24 के एंड में ले रहे हैं तो ये अच्छी चीज हो गई है कि पहले जो वारंटी 2 साल 40,000 की मिलती थी अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया, टोटल 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर का वारंटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो वारंटी को लेकर जो कंप्लेन करते था भाई, आप अपना कंप्लेन ले सकते हैं, कंपनी ने वारंटी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है और इसे और भी एक्सटेंड करना है भाई तो टोटल 6 साल तक आप अपने वारंटी को एक्सटेंड करवा पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो यहाँ पे ABS EBD CSC मिलने वाली है, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक होने वाली है, बैक प्रोफाइल में जाओगे तो पार्किंग सेंसर, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर होने वाली है डुअल एयरबैग के साथ, और ये सुजुकी हाईटेक प्लेटफॉर्म के साथ आती है। तो बेसिक लेवल की सारी सेफ्टी फीचर्स है जो प्रॉपर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। अब इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई इसकी माइलेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई वैगनआर 1.2 लीटर 1200 cc वाली इंजन के साथ जाओगे जो कि पेट्रोल मैनुअल के साथ जो यहाँ पे लगी है, तो यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है भाई वो 23.5 के आसपास करती है, लेकिन इसे सिटी में ड्राइव करोगे तो भाई वही 16-80, और हाईवे में ड्राइव करोगे तो 22-23 यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप गाड़ी कैसा चलाते हैं और माइलेज आप किस टाइप से निकाल पा रहे हैं। अब बात करेंगे भाई इसकी प्राइस की, तो एक्सोरूम जो है वो 6,75,000 इसकी पड़ती है। देन इसे हजारीबाग मारुति सुजुकी अरीना शोरूम से लेने का प्लान करेंगे जो कि झारखंड में अवेलेबल है। तो भाई ये रहा डीलरशिप का नंबर जहां पे इस गाड़ी के ऑन रोड के साथ मारुति की कोई भी गाड़ी की इंक्वायरीज करनी है तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट शोरूम वाले से सेल पर्सन से कर पाएंगे। भाई ये रहा इस गाड़ी की सारी फीचर्स जहां पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया। भाई ये टॉप एंड वेरिएंट में जरूरत की सारी चीज है, कुछ एक्स्ट्रा आपको लगाना है, जैसे भाई ये टॉप एंड वेरिएंट में बैक कैमरा नहीं है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है तो बैक कैमरा यहाँ पे वर्क होने वाला है, तो उसे आप एसेसरीज में लगवा लेना। ओवरऑल यहाँ पे जरूरत की सब कुछ ठीक ठाक आपको मिल जाती है। तो अब करेंगे दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।